नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे यानी आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सेकंड जो टॉपिक है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। यानी इससे पहले है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अर्थ क्या है और उसका हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसकी उपयोगिता रहती है, तो वो टॉपिक हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, वो ये रहेगा अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मोटिवेशन होता क्या है, यानी अभिप्रेरणा क्या होता है, इसके क्षेत्र हम पढ़ेंगे यानी इसके प्रकार पढ़ेंगे, और उसके बाद में बात कर सकते हैं इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, और कई सारे विद्वानों ने अलग अलग जो परिभाषाएं दी है वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, और एक आता है इसके अंदर अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी बातें इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग है जो कि हम कह सकते हैं नोट्स से साथ साथ बनाते रहना, और जो नोट्स हम बनाएंगे यहाँ पे वो बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से हैं, जो कि कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ मोटिवेशन, क्या होता है मोटिवेशन आपको पता ही है वैसे। हेडिंग लगाओ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यह हम कह सकते हैं इसको, कोष्ठक में लिख दो मोटिवेशन। ठीक है, क्या होता है भाई मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन शब्द यानी अभिप्रेरणा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो हम कह सकते हैं, यानी ये जो शब्द है मोटिवेशन, ये लेटिन भाषा के मूवियर या फिर हम कह सकते हैं मोटम शब्द से बना है। किससे बना है, मूवियर। मूवियर या फिर हम कह सकते हैं कई जगह हमें देखने को मिलता है मोटम। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन शब्द है जो कि लेटिन भाषा का शब्द है जो किससे मिल किससे बना है, मूवियर, मूवियर या फिर हम कह सकते हैं मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है क्रियाकलापों को गति प्रदान करना, या फिर कहते हैं क्रियाकलापों की गति होती है ना, अर्थ क्या होता है इसका, क्रियाकलापों की गति। क्रियाकलापों की गति, कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके अंदर गति प्रदान करना किसका कार्य होता है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का कार्य होता है। जो भी काम आप करते हैं तो आप अपनी इच्छा से उसको साधारणतः धीरे धीरे करते हैं, मान लीजिए, तो जब आपको मोटिवेशन मिलता है कि उसके बारे में कई सारे आपको फायदे बता दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि मोटिवेशन होता है, और आप अपने आप में प्रेरित हो जाते हैं, अभिप्रेरणा जिसको हम कह सकते हैं। तो उसके जरिए आप क्या करते हैं, आपके क्रियाकलाप, आपके काम के करने की हम कह सकते हैं जो गति है वो तेज हो जाती है ना। तो ये अर्थ क्या होता है इसका, यानी मोटम या फिर मूवियर शब्द से लैटिन भाषा का जो शब्द है मोटिवेशन, इससे बना है, जिसे कहते हैं क्रियाकलापों की गति, या फिर इसी के अंदर हम बात करें तो अभिप्रेरणा जो क्या होता है कि निश्चित जो उद्देश्य होता है उसी के अनुसार व्यवहार करने की गति या फिर दिशा प्रदान करते हैं। जो आपका निश्चित उद्देश्य क्या है, जैसे आपका उद्देश्य है सेकंड ग्रेड बोला आपको, तो शिक्षक है, सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है। ठीक है,
तो इसके लिए कई सारे आपको हम कह सकते हैं मोटिवेशन की भावना जो आपके अंदर जागृत की जाए, पैदा की जाए कि इस प्रकार से आपको सेकंड ग्रेड आप बनेंगे तो ये होगा ये होगा, या फिर आपको घर वाले बोल देंगे कि जब तू सेकंड ग्रेड बन जाएगा तो तेरी शादी कर दी जाएगी, मतलब है ना। तो उत्सुक रहते हैं वैसे तो बच्चे, क्या होते हैं कि बोलो हाँ शादी कर दी जाएगी, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी गति बढ़ जाती है कि भाई हाँ अगर मैं सेकंड ग्रेड बन गया तो जल्दी शादी हो जाएगी, अन्यथा कहीं नामो निशान नहीं है। तो क्या हो जाता है कि वो बंदा मोटिव हो जाता है और वो थोड़ा उसके अंदर गति बढ़ा देता है, या फिर अन्य कोई भी है ना कि भाई चलो तुम ये कार्य करोगे तो तेरे को वहाँ मेले में घूमने ले जाएंगे, या फिर या कुछ भी। तो उस कार्य करने की गति को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? मोटिवेशन उसको मिलना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार मैं तो ये साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी इसको आप अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं है कि ये बातें ही अमूमन सभी के लिए होती है, सभी के लिए नहीं होती है। और उसके बाद में बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो अभिप्रेरणा को आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में है जो कि व्यक्त करता है, आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में व्यक्त करता है मनोविज्ञान, ये कहता है। और शिक्षा जो होती है, शिक्षा में मनोविज्ञान छात्रों में क्या करते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं। अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन के अंदर क्या करती है, रुचि उत्पन्न करती है। जैसे कोई बच्चा, मैंने कहा था ना कि कोई बच्चा जैसे उसको बोला कि ये आपको पाठ पढ़ना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, क्योंकि जब तक उसको कोई मोटिवेशन, उसको अभिप्रेरणा नहीं दी गई। लेकिन उसको अगर ये कहा जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या रहता है कि छुट्टी चाहिए या फिर खेलना कूदना उसको ज़्यादा वो रहता है ना, तो उसमें उस बच्चे को बोल दिया जाए कि ये पार्ट आप कितना भी जल्दी पढ़ो, ये पार्ट पढ़ दोगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, या फिर आपको ये पार्ट आप पढ़ दोगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ये खेल खेलेंगे है ना, तो जल्दी जितना जल्दी ये पार्ट पढ़ोगे जितना जल्दी क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। तो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, अभिप्रेरणा है ना। तो अभिप्रेरणा तो वो बच्चा है जो कि उसको ये लालच दिया जाता है तो ये जल्दी थोड़ा करने के इसके जो कि इसके अंदर लालसा बन जाती है। तो कहने का मतलब ये इस पार्ट पढ़ने में क्या हो जाती है, इसकी रुचि हो जाती है, और उसको बोल दिया जाए कि ये अगर आप पार्ट पढ़ोगे तो जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आप इसमें टीचर बन जाओगे, ये करोगे तो आपको फिर सैलरी मिलेगी, आप अच्छे आपका हम कह सकते हैं क्या होता है आपका जो क्या बोलते हम नाम भूल गया, जैसे कि तो उसमें क्या होता है आपका जो पर्सनैलिटी वो आपकी अच्छी रहेगी कि जब आप टीचर बन जाओगे तो उसी के अनुसार आपका है जो कि उसकी बच्चे की रुचि इसमें बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं उत्साह पैदा करता है, मोटिवेशन है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के अंदर मोटिवेशन जो उत्साह पैदा करने की प्रक्रिया के रूप में से जाना जाता है। फिर परिभाषा की बात करें, कई सारे जो परिभाषाएं इसमें, एक तो है क्रेंच एंड क्रेंचफील्ड के अनुसार उसने कहा है कि अभिप्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्यों का प्रश्न है, क्या है अभिप्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्यों का प्रश्न बताया गया है। अब क्यों बताया गया है, क्यों का प्रश्न, इसके अंदर बात करें कि हम धन कमाते हैं तो क्यों कमाते हैं, बोला अच्छी गाड़ी लेंगे। फिर हम बात करें कि हम प्रेम किसी से करते हैं तो क्यों करते हैं, कि स्नेह मिलता है, और उसके बाद में बात करें कि हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, गाना गाते हैं तो क्यों गाते हैं, गाना सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है इसी के अंदर। यानी इन्होंने के जो मोटिवेशन के अकॉर्डिंग एक परिभाषा दी है, क्रेंच एंड क्रेंचफील्ड के अनुसार ये परिभाषा बताई गई है कि अभिप्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्यों से शुरू होता है। मान लीजिए बच्चा पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है बताइए, क्योंकि उसके मन में क्या है, एक रुचि है, एक भावना है कि मैं जल्दी से जल्दी एक शिक्षक बनूं, या फिर कंपटीशन का पेपर फाइट करके एक टीचर बनूं, या फिर एक कांस्टेबल बनूं, या फिर आईपीएस बनूं या आईएएस बनूं। तो ये उसके अंदर क्या है, एक रुचि पैदा करते हुए एक उसके अंदर एक भावना जो जागृत की हुई है, तो ये क्यों से शुरू होती है ना। तो इसके अंदर ये एक प्रश्न बनता है कि क्यों कुछ भी करते हैं तो बोला क्यों करते हैं, तो ये एक मोटिवेशन का आधार इसमें माना जाता है। फिर एक परिभाषा आती है वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार,
वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा की बात करें, वो कहता है कि अभिप्रेरणा जो है वो निश्चित उद्देश्य के अनुसार निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपका जो भी उद्देश्य अभी हमने बात की थी, जो निश्चित उद्देश्य है उसके अनुसार आपको निश्चित रूप से व्यवहार करना है। मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक हम कह सकते हैं टॉपिक टेबल या टाइम टेबल बना के ही उसके अकॉर्डिंग आपको है जो कि फॉलो करना होता है, ताकि यही क्या है कि मोटिवेशन का मार्गदर्शन माना जाता है, उसी के अनुसार आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए मोटिवेशन हर व्यक्ति के जीवन में होना आवश्यक माना गया है, ठीक है। और फिर बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है गुड के अनुसार, उसने कहा कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी कार्य को प्रारंभ करने से लेके और उसको जारी रखना या फिर नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया है, प्रेरणा, ठीक है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा, जैसे कि आपने कोई कार्य, मतलब अभिप्रेरणा आपको जागृत करेगी कि आपको ये कार्य शुरू करना चाहिए। अब अगर आपके मन में ये बात आई कि हमें जॉब सरकारी या फिर नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी लगना है, तो उसके लिए पढ़ाई प्रारंभ करने का कार्य भी कौन करेगी? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको मिला और आपने पढ़ाई शुरू की। फिर आपको अगर लगातार मोटिवेशन नहीं मिला तो आपके मन में ये रहेगा कि यार क्यों पढ़ता हूँ, इससे तो अच्छा है बच्चों के साथ खेल लूँ, इससे तो अच्छा है मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करूँ, दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ, दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ। तो उस टाइम भी आपको मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है, उस टाइम भी आपको अभिप्रेरणा मिलने की आवश्यकता, अभिप्रेरणा होने की आवश्यकता आपको चाहिए, ठीक है। यानी प्रारंभ किया तब आपके पास, यानी प्रारंभ करने से पहले आपके पास अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन था तो आपने कोई चीज़ प्रारंभ कर दी, ठीक है। फिर जब आप बीच स्टेज पे आए, बीच स्टेज पे आए तो अब भी आप कहीं ना कहीं इससे सफलता के मार्ग से हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अगर मोटिवेशन मिल गया तो ये भी क्या हुआ, आपने हम कह सकते हैं जारी रखा, ये प्रारंभ हो गया, ये जारी रखा, यहाँ पे आपने जारी रखा। फिर क्या आता है, सफलता का जो अंतिम दौर आता है, मान लीजिए कि अभी तक हम नियमित रख रहे हैं उसको, यानी आपने कोई टाइम टेबल या टॉपिक टेबल पढ़ने के लिए बनाया, उसको नियमित अगर रखते हैं तो ज़रूर आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आप उसको नियमित रख रहे हैं तो क्या है, आपको निरंतर अभिप्रेरणा के आप शिकार हैं, और अभिप्रेरणा आपको मिल रही है तो आप सफलता जल्दी ही पाने की कोशिश आपकी रहेगी और सफलता पाएंगे ही, ठीक है। तो ये गुड के अनुसार है कि किसी अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना और जारी रखना या फिर नियमित बनाए रखने की क्या है, एक प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च मार्गदर्शन, क्या है, सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग बताया गया है। ये किसने बताया है, स्किनर के अनुसार बताया गया है। और फिर हम क्या करते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके है जो कि सभी के बारे में लिखते हैं, और एक विशेष जो परिभाषा आती है मैकडूगल के अनुसार है, वो उसने कहा है कि अभिप्रेरणा जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएँ जो है, जो व्यक्ति को, यानी उसने क्या बताया कि अभिप्रेरणा क्या है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं उसने है जो कि बताई है। किसने बताई है, मैकडूगल ने बताई, जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कौन करती है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जिसको हम कह सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मोटिवेशन की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद में अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा का जो चक्र है उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले किसकी आवश्यकता रहती है, ये सब बात करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, जो जो भी पढ़ा है इसको लिख लेते हैं। अब नोटबुक को संभाल लीजिए, पेन को संभाल लीजिए, और अपने दिमाग को, दिमाग तो मेरे पास ही था वैसे तो आपका ना, क्योंकि ऐसे समझते कैसे ना, समझ रहे हैं ना। अब इसको लिखो, पहले हेडिंग लगाओ अभिप्रेरणा, या फिर अंग्रेजी में लिखो मोटिवेशन, लिख दिया। अब लाइन शुरू करो, अभिप्रेरणा
मोटिवेशन अभिप्रेरणा मोटिवेशन लिखो। लेटिन भाषा के शब्द मूवियर या मोटिव शब्द से बना है, मोटम शब्द से, है ना। लिखो इसमें लेटिन भाषा के शब्द मूवियर कोष्टक में लिखो। ठीक है, मूवियर लिख दिया। मूवियर या मोटम या मोटम शब्द से बना है, मोटम शब्द से बना है। मूवियर या मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है क्रियाकलापों की गति जिसका अर्थ होता है क्रियाकलापों की गति या अभिप्रेरणा, क्रियाकलापों की गति गति हो गई, या फिर हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा जो निश्चित उद्देश्य के अनुसार व्यवहार करने के लिए गति या फिर दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य के अनुसार निश्चित उद्देश्य के अनुसार क्या करने के लिए, व्यवहार करने के लिए गति प्रदान करना या ऑब्लिक करके लिखे दिशा, उसको उचित व्यवहार करने के लिए गति या दिशा प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है। अब लिखो फटाफट से। लिख लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब एक बात बताओ आप मुझे कि जो अभिप्रेरणा है वो मूल रूप से किस पे आधारित होती है। अभिप्रेरणा आंतरिक जो होती है, आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में जानी जाती है या फिर बाह्य। मूल रूप से जैसे मैंने आपको मोटिवेशन दिया तो आपके अगर मन में एक तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो अंदरूनी यानी आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है।
तो इनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। और वैसे एक तो किसी को मोटिवेशन किया जाता है कि आपको, आप जैसे ये काम करोगे तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा, जब आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है तो वो क्या होता है मोटिवेशन। एक बाह्य होता है कि चलो तुम ये काम करके और तुम्हें ये मिलेगा, तो वो किसी के फ्रेशर या फिर बाहर से को ये कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो ये बाह्य मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा, इसके बारे में आगे हम शानदार तरीके से चर्चा करेंगे, है ना। चलो लिख लिया था ये, तो बाकी अब लिखो आप कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान अभिप्रेरणा को आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, लिखो मनोविज्ञान अभिप्रेरणा को, अभिप्रेरणा को आंतरिक उत्तेजनाओं के लिए क्या करता है, व्यक्ति के अंदर व्यक्त करता है, आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में है जो कि व्यक्त करता है। मनोविज्ञान अभिप्रेरणा को आंतरिक उत्तेजनाओं के रूप में व्यक्त करता है, बल्कि शिक्षा, व्यक्त करता है। अब लिखो यहां पे शिक्षा, शिक्षा क्या करते हैं हम, शिक्षा में मनोविज्ञान जो है वो छात्रों में रुचि उत्पन्न करते हैं, एवं शिक्षा में, यही पे लिखो, एवं शिक्षा में मनोविज्ञान क्या करता है भाई, शिक्षा में मनोविज्ञान मनोविज्ञान छात्रों में रुचि या उत्साह, छात्रों में रुचि उत्पन्न या उत्साह पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है, कौन करता है, मनोविज्ञान। ठीक है, समझ में आ रहा ना, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, कोई भी कार्य करने के लिए रुचि उसमें उत्पन्न करता है, कौन करता है, मोटिवेशन। फिर परिभाषाएं कुछ लिखते हैं, एक हेडिंग लगाओ नई, परिभाषाएं, परिभाषाएं, नंबर लगाओ तो नंबर लगा सकते हो, एक नंबर लगा के लिखो क्रेंच एंड क्रेंच फील्ड के अनुसार, क्रेंच एंड क्रेंच फील्ड के अनुसार क्या रहेगी परिभाषा, यानी इसके अनुसार परिभाषा की जो बात कही गई है वो ये है कि अभिप्रेरणा का जो प्रश्न है वो किससे प्रारंभ माना जाता है, क्यों का प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, हम धन क्यों कमाते हैं या फिर हम कह सकते हैं हम प्रेम क्यों करते हैं, ये सब आदि इसी के अंदर माना जाता है। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, लिखिए इसमें, लिखे अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, चलो लिखवा देता हूं, अभिप्रेरणा प्रश्न क्यों, अंडरलाइन कर देना, क्यों का प्रश्न है, क्यों का प्रश्न है कि हम धन क्यों कमाते हैं, कि हम
धन क्यों कमाते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम प्रेम क्यों करते हैं आदि। हम प्रेम क्यों करते हैं आदि। वैसे यहाँ पे इसमें जो भी अपने हिसाब से लिखे तो वो भी लिख सकते हैं। एग्जांपल था ये तो ना, कि हम धन क्यों कमाते हैं और हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम प्रेम क्यों करते हैं, ठीक है, हम खाना क्यों खाते हैं। लिखिए यहाँ तक। चलो अब लिखो आप वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार उसने कहा कि अभिप्रेरणा है जो निश्चित उद्देश्य के अनुसार निश्चित व्यवहार करने के लिए हमें जो कि प्रेरित करता है या फिर हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। वुडवर्थ के अनुसार दो नंबर लगा दो। हाँ, वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य के अनुसार अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य के अनुसार निश्चित व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, लिखो। निश्चित व्यवहार करने के लिए लिए हमें प्रेरित करता है। ये परिभाषा किसने दिए हैं? वुडवर्थ ने दी है। किसने दी भाई? वुडवर्थ ने दी है। अब तीन नंबर लगा के आप लिखो परिभाषा। किसके लिखोगे? गुड के अनुसार। गुड के अनुसार परिभाषा उसने क्या कहा था? इम्पोर्टेंट है ये। जारी रखना, प्रारंभ करना और उसके बाद में उसमें नियमितता जो है वो बनाए रखना, ये परिभाषा किसने दी थी? ये गुड ने है जो कि दी है। इसमें क्या है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने व उसको जारी रखने व उसके अंदर नियमिती या फिर नियमितता बनाए रखने की प्रक्रिया है। लिखिए, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने या प्रारंभ करने, कौमा उसको जारी, कौमा जारी रखने कौमा नियमितता, नियमिति या फिर नियमित या नियमितता, उसमें नियमितता बनाए रखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? गुड ने दी है। बस इसमें क्या करना है आपको, जैसे हाईलाइट करो या फिर अंडरलाइन करो। तो इसमें क्या है, गुड को अंडरलाइन कर देना और कार्य को प्रारंभ है और जारी रखना हो गया और उसके बाद में है जो कि उसके अंदर नियमित बनाए रखना ना, बस ये इसके अंदर अच्छे से आपको ध्यान में करना है। और इसके अंदर क्या था कि अभिप्रेरणा जो है निश्चित उद्देश्य के अनुसार निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करता है, हमें प्रेरित करता है। बस ये बात इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लिखो और एक लाइन और लिख दो स्किनर के अनुसार। वो तो जो हमने पहले बात की थी वही है इसी के अंदर। स्किनर के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है आपका ना, गुड के अनुसार ये इंपॉर्टेंट लगा देना। स्किनर के अनुसार कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है।
स्किनर के अनुसार चार नंबर लगा के लिखो। अभिप्रेरणा सीधा लिख रहा हूँ मैं ना, सीधा लिख रहा हूँ स्किनर के अनुसार। ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप हिसाब से समझ लेना ना। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा, उसने कहा है अभिप्रेरणा को कि सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है। स्किनर के अनुसार, ठीक है। एक मैकडूगल का और लिख लो, ये लिख दिया कि इतना, चलो मैं साइड में होता हूँ, लिख लो फटाफट फटाफट से लिखो। लिख लिया, अब लिखो मैकडूगल के अनुसार कितना नंबर हो गया? पांच नंबर है क्या? चार लिख दिया, चलो पांच नंबर लिखो। मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा शारीरिक व मानसिक अभिप्रेरणा शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, कार्य को अंडरलाइन कर देना, कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। प्रेरित को अंडरलाइन कर देना, प्रेरित करती है। परिभाषा किसने दी? ये मैकडूगल ने दी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो लिख लेते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं कुछ पांच सात लाइन इसके अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा शारीरिक एवं मानसिक, हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक, है ना। तो दशाएं हैं मैकडूगल के अनुसार जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक, सॉरी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक लिखना है, लिखा तो नहीं आपने, सॉरी इसको काट के मनोवैज्ञानिक लिखना है, ठीक है। यही था मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कई बार क्या होता है कि याद करने की जब कोशिश करते हैं नहीं आता है, ऑटोमेटिक आता है कि हाँ यार यहाँ पे ये था। अब आप लिखो, एक हेडिंग लगाओ, मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। नेक्स्ट पेज में लिख दूँ ना, चलो ये लिख दिया आपने, हाँ लिखो फटाफट से। लिख दिया, चलो अब लिखो अभिप्रेरणा की विशेषता।
पूछता है। अभी प्रेरणा की विशेषताएं, अब इसमें लिखो एक एक करके। नंबर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, और लगाओ तो लगा लो। वैसे अभी प्रेरणा का जो संबंध है वो आंतरिक दशा या फिर हम कह सकते हैं उत्तेजनाओं से लिया जाता है। दिख रहा है क्या? ये थोड़ा चेंज लग रहा है मेरे को। अब लिखो एक नंबर लगा के। अभी प्रेरणा का संबंध अभी हमने बात की थी आंतरिक दशा वह आंतरिक दशा या उत्तेजनाओं से लिया जाता है। उत्तेजनाओं से लिया गया है। से लिया गया है, ठीक है। फिर लिखो दूसरा, लिखो कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा को सीखने की अनिवार्य स्थिति कहा गया है। अभिप्रेरणा को क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा को सीखने की क्या कहा गया है? अनिवार्य स्थिति कहा गया है। सीखने की अनिवार्य स्थिति, कहा गया है। और अभिप्रेरणा को एक हम कह सकते हैं, इसी को तीन नंबर लगा के लिखे। अभिप्रेरणा को है जो कि स्वर्ग पथ भी कहा गया, सीखने का स्वर्ग पथ कहा जाता है। अभिप्रेरणा को सीखने का क्या माना गया है? स्वर्ग पथ है कहा जाता है। अंडरलाइन। फिर चार नंबर लगा के लिखो आप, इसी के अंदर लिखो कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का हृदय है। क्या है? अभिप्रेरणा सीखने का क्या है? सीखने का हृदय है। अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, और हार्ट बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हर कुछ करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए हमारे अंदर अभिप्रेरणा मोटिवेशन का होना आवश्यक माना गया है। फिर एक और लिखो, अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पांच नंबर लगा के लिखो, अभिप्रेरणा उद्देश्य के आधार पर, अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कार्य करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अभी प्रेरणा निश्चित उद्देश्य के आधार पर कार्य करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो ये पांच पॉइंट इसके अंदर लिखे आप। अभी प्रेरणा जो विशेषताएं हैं, इसमें पांच पॉइंट
लिखी, क्या क्या था एक बार रिवीजन। ठीक है, रिवीजन यही है कि अभिप्रेरणा का शमन जो आंतरिक दशा या फिर हम कह सकते हैं उत्तेजनाओं से लिए गए हैं, अभिप्रेरणा को क्या माना गया है, सीखने का अनिवार्य स्थिति, सीखने की अनिवार्य स्थिति कहा गया है, अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ग पथ कहा गया है, अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय माना गया है, और निश्चित जो उद्देश्य होता है अभिप्रेरणा जो है निश्चित उद्देश्य के आधार पर क्या है, कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए है जो कि हमें कहता है। कौन कहता है? अभिप्रेरणा। फिर बात आती है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। चलो अब एक हेडिंग लिखो, अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार मूलतः दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। अभिप्रेरणा सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, या फिर अभिप्रेरणा के सामान्य तौर पे दो प्रकार माने जाते हैं। लिखो, फिर एक एक करते पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के सामान्य रूप से, या फिर लिखो सामान्य तौर पर दो प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, कौन सा पहले लिखो, आंतरिक या प्राकृतिक? प्राकृतिक कह सकते हैं ना आंतरिक को, कृत्रिम थोड़ी है। आंतरिक लिखो या लिखो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का प्रकार, प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें क्या होती है, बच्चे की या फिर व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है, मन आंतरिक मतलब मनुष्य के अंदर की बात आ गई यहाँ पे, खुद की इच्छा। तो इसमें जो व्यक्ति है वो स्वयं की इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करता है। इसमें व्यक्ति की जो इच्छा है उस पर, इच्छा जो शक्ति है उस पर बल दिया जाता है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे मैं आगे एक एक करके आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आंतरिक इच्छा यानी बच्चे के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और वो जैसे कि हमने कहा था ना कि किसी बच्चे को या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट को कहा जाता है कि ये तुम पाठ पढ़ो, और या फिर उसको कितना भी मोटिवेशन हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर उसकी खुद की जहाँ तक इच्छा नहीं हो तब तक उसको कितना भी हम मोटिवेशन दे दो वो कार्य नहीं करेगा, या फिर करेगा तो उसके अंदर हम कह सकते हैं उजाड़ कर देगा। तो एक तो खुद की इच्छा होती है, कोई काम करने के लिए खुद की इच्छा होती है, और एक उस पर प्रभावित उसको किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत दबाव दिया जाता है, तो वो बाह्य अनुक्रिया या फिर हम कह सकते हैं बाह्य अभिप्रेरणा मानी जाती है, जिसको कृत्रिम भी कहा जाता है। इसके अंदर बात करें तो स्वयं की इच्छा होती है, व्यक्ति या स्टूडेंट की स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा पर यह है जो कि निर्धारित होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। इसके अंदर क्या है, हम कह सकते हैं इससे में कार्य को करने से क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है या फिर उसको संतोष होता है। जैसे ये बच्चा मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, तो इसको क्या है कि जैसे पढ़ने में हम कहते हैं कि ये कोई पाठ पढ़ना है, तो इसको खुद की जब इच्छा होती है तब ये क्या करता है, उसको आसानी से पढ़ता है, और इसको खुद को उस काम करने के लिए इसकी इच्छा होती है, इसकी लालसा होती है, इसको वो पसंद लगता है, या फिर इसको है जो कि हम कह सकते हैं उस कार्य को करने के लिए संतोष मिलता है, तो ये खुद की इच्छा होती है, तो इसको कहते हैं आंतरिक या फिर हम कह सकते हैं प्राकृतिक की जो प्रकृति की देन है ये अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि भोजन है, पानी है, निंद्रा है, विश्राम है, काम है। ठीक है, जैसे इसको कहा गया भोजन करना है, मान लीजिए कहा नहीं गया, अब भोजन करना क्या है, इसकी आंतरिक हम कह सकते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब इसको भूख लगेगी, अंदर से भूख लगेगी, स्वयं की इच्छा है कि मुझे ये खाना चाहिए, तो ये खाएगा, अन्यथा इसको कहा जाए कि ये चीज़ खाओ, ज़बरदस्ती खाएगा, खा पाएगा? नहीं खा पाएगा।
जबरदस्ती नहीं खा पाएगा। कहते ना कि मेरे को भूख नहीं है, जब इसकी इच्छा हो तो अगर स्वादिष्ट भोजन भी नहीं है तो ये खा लेगा, अन्यथा अगर हम प्रभावित करके इसको खिलाएंगे तो ये नहीं खा पाएगा, और प्रभावित करके अगर खिलाएंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा का प्रकार यानी इसका सेकंड प्रकार के अंदर माना जाता है। उसी के अंदर भी मोटिवेशन देके कि भाई ये खाओगे तो तुम ये हो जाओगे, या फिर काजू बादाम अगर आप खाओगे तो क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, है ना। तो ये बात इसके अंदर आती है कि जैसे भोजन किया जाता है तो इसकी खुद की इच्छा है तो ये भोजन करेगा, इसकी खुद की इच्छा है तो ये विश्राम करेगा। विश्राम किसी के कहने पे नहीं करवाया जाता, इसकी खुद की इच्छा है, इसकी शारीरिक इसका शरीर कह रहा है कि नहीं अब हम ये काम इतना ही करेंगे और अब हमें हम कह सकते हैं रिलैक्स होने की आवश्यकता है, अभी हमें विश्राम करना चाहिए, अभी हमें सोना चाहिए, तो इसकी जो खुद की इच्छा है तो ये तुरंत सो जाता है, ये इसी के अंदर माना जाता है। यानी जैसे भोजन है, पानी पीना है, इसे उसके ऊपर कितना ही पानी गिरा दो, कहीं टंकर खाली हो रहा है लेकिन वो नहीं पिएगा, खुद की इच्छा है तो वो पानी पिएगा, खुद की इच्छा है। और जैसे हवा ले रहा है या फिर हम कह सकते हैं काम निंद्रा काम, उसकी इच्छा है तो काम करेगा, और अन्यथा हम कह सकते हैं वन टाइम जो वर्क होता है वो तो उसको अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा काम उससे करवाया जाता है, तो वो एग्जांपल हम आगे लेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक वो अपवाद के रूप में मान लीजिए, जैसे किसी बच्चे को कहा गया, एक तो उसके खुद के मन में है कि भाई मैं, जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा कि वहाँ जाओ आप और वहाँ से मेरे लिए कोई चीज़ लेके आना है, ठीक है, तो वो नहीं जाएगा। अगर उसके खुद के मन में भी है कि नहीं मेरे को वहाँ जाने से मेरे को ये फ़ायदा होगा या फिर मेरी रनिंग हो जाएगी या फिर मेरा कह सकते हैं ये फ़ायदा हो जाएगा, तो उसके अगर मन में इच्छा है तो वो चला जाएगा, तो वो आंतरिक इच्छा के अंदर आ जाएगा। लेकिन बाह्य हम कह सकते हैं दबाव देके या फिर उसको भेजा जाएगा तो उसकी इच्छा नहीं है तो वो बाह्य शक्ति के अंदर आता है। लेकिन उसी के अंदर एक अपवाद ये भी है कि उस बच्चे को कुछ मोटिवेशन, उसको कुछ लालसा दी जाती है कि जाओ वहाँ पे जाओ और मेरे लिए ये चीज़ लेके आना और उसमें से 10-15 रुपये की तुम भी चीज़ खा के आ जाना और ये लो मेरी बाइक की चाबी या फिर बाइक लेके जाओ, तो उसके अंदर क्या आता है, अभिप्रेरणा की, हाँ बाइक चलाने को मिलेगी और ये कुछ खाने को भी मिलेगा, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आ जाता है। तो ये वैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो अभी हम यहाँ तक लिखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर। चलो समझ में आ गया ना, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बता देना कि भाई सर ये चीज़ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं तुरंत आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। अब लिखो इसमें, इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करता है, इसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा इच्छा से कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर बल दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति पर बल दिया जाता है कि इसकी इच्छा ये काम करने के लिए है या नहीं है। फिर ये बात आती है इसी के अंदर कि यानी आंतरिक जो अभिप्रेरणा है इसमें, यानी भोजन है पानी है, चलो इसमें एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए आप, जैसे भोजन है पानी है और इसी में लिखो आप हवा है, विश्राम है, विश्राम, काम है निंद्रा, किसी की निंद्रा करनी है, ठीक है, निंदा, तो ये सब है जो कि हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसी कार्य को करने से उसे आनंद व संतोष की प्राप्ति होती है। इस कार्य को करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, इसे
कार्य को, या फिर सीधा लिखे इसे कार्य करने को आनंद की प्राप्ति होती है, करने के लिए आनंद या संतोष की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अब लिखो फटाफट से, फिर दूसरी पढ़ते हैं आगे। दूसरी जो बाह्य अभिप्रेरणा जो है, कृत्रिम जिसको हम कह सकते हैं, लिखो फटाफट से लिखो। लिख दिया, चलो अब दो नंबर लगा के लिखो। बाह्य अभिप्रेरणा या फिर जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, दो नंबर लगा के लिखो। बाह्य अभिप्रेरणा, अच्छा वैसे चलो लिख दो बाह्य लिख के फिर कृत्रिम लिखते, फिर लिखते अभिप्रेरणा। लिख दो, फिर दोबारा लिख दो। कृत्रिम, कृत्रिम को मतलब बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है। और अब इसमें बात करें कि इसमें व्यक्ति की जो स्वयं की इच्छा होती है उसको गौण रखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्वयं की इच्छा है वो गौण होती है। वह क्या करता है, दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरों के यानी बाह्य वातावरण के से प्रभावित होके जो कार्य करता है, जैसे कि उसको पुरस्कार दे करके कोई कार्य करवाया जाता है, उसकी प्रशंसा करके कोई कार्य करवाया जाता है। हम कहते हैं ना कि कई बार जो बच्चे होते हैं या फिर कई बड़े भी होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा माइंडली थोड़ा हम कह सकते हैं कमी रहती है मानसिक रूप से, उनको क्या है कि हम कह सकते हैं कोई ना कोई किसी न किसी बाह्य रूप से उनको बोल करके कितना सारा भी काम करवा लो वो कर देंगे, है ना। तो उसमें यही क्या रहता है कि जैसे प्रशंसा की उसकी, बोलो ये तो बहुत अच्छा है और उसकी बॉडी है, ये ना इतना वजन उठा सकते हैं उस, ऐसा नहीं उसको पता नहीं कि मेरे से काम करवाना चाहता है, उसको इस प्रकार से ऊपर उठाया जाता है, हवा में उठाया जाता है, फिर वो कार्य कर देता है। तो ये क्या हुआ, प्रशंसा करवाई गई और फिर उससे कार्य करवाया गया। तो प्रशंसा के दौरान, पुरस्कार के दौरान दंड दे करके, उसकी निंद्रा करके जो कार्य करवाया जाता है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा का प्रकार माना जाता है। ठीक है, बाह्य वातावरण समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने बताया था किसी को पुरस्कार दे के, किसी को इनाम दे के जो कार्य करवाया जाता है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर माना जाता है। अब लिखो इसमें व्यक्ति की स्वयं की इच्छा जो है वो होती है, इसमें व्यक्ति के स्वयं की इच्छा गौण होती है, व्यक्ति के स्वयं यानी खुद की इच्छा कैसी होती है, इच्छा गौण होती है। बल्कि क्या करता है वह व्यक्ति बाह्य वातावरण या फिर दूसरों के प्रभाव में आकर के गौण होती है, दूसरों के प्रभाव में आकर, दूसरों के प्रभाव में आकर, यह हम कह सकते हैं बाह्य वातावरण के प्रभाव में आकर के कार्य करते हैं, प्रभाव में आकर या फिर दूसरों के प्रभाव से या
बाह्य वातावरण के प्रभावों से कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये है जो कि आपके बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखो, जैसे जैसे पुरस्कार हो गई, प्रशंसा हो गई, सज्जा देकर कोई कार्य करवाना, और निंद्रा और क्या होता है इसमें, पुरस्कार प्रशंसा हो गई, सज्जा हो गई, हाँ ये दंड सदा हो गई है ना, एक ही बात है, ये इतना है इसके अंदर। मैं सोचा मैंने ये आ गया दंड की जगह सजा आ गया ना, एक ही बात है। आदि लिख दो सीधा, जैसे निंद्रा आदि। ठीक है, लिख दिया यहां तक। अब एक नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो कि अधिगम विधि के रूप में आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या है, प्रभावी या फिर हम कह सकते हैं उच्चतर माना जाता है, बल्कि बात करें तो निम्न स्तर की जो आवश्यकताओं के लिए बाह्य अभिप्रेरणा ज़्यादा प्रभावित मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है। बाकी हम एक ही बार ये नोट लिखें, उसके बाद में आगे डीपली इसको है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो पहले लिखे, अधिगम विधि के रूप में आंतरिक अभिप्रेरणा को अधिगम विधि के रूप में आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावी या फिर हम कह सकते हैं इसी को है जो कि उच्चतर माना जाता है, प्रभावी या उच्चतर माना गया है। उच्चतर माना जाता है, जबकि ये लिख लिया ऊपर वाला, ऊपर कर रहा हूं इसको ना, जबकि डेस करके लिखो इसमें, जबकि निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए के लिए बाह्य प्रभाव या फिर बाह्य अभिप्रेरणा है जो कि क्या होती है, एक ज्यादा प्रभावी होती है। फिर अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा ज्यादा प्रभावित होती है, प्रभावी होती है। अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अधिगम विधि के अनुसार बात करें तो आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावी माना जाता है या फिर इसी को ही उच्चतर माना जाता है, लेकिन अपवाद जो मैंने बात आपको कि निम्न स्तर की आवश्यकता जो होती है उसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे मैंने कहा था किसी बच्चे को लालच दे करके, मैंने कहा था कि उस बच्चे को कि वहाँ उस स्टैंड पे जाना है और किसी को मेरे रिश्तेदार को लेके आना है या फिर कोई और काम उसको बताया जाता है तो वो काम नहीं करता, लेकिन उसको कहा जाता है कि चलो ये मेरी बाइक ले जाओ या मेरी गाड़ी ले जाओ और तुम वहाँ जाओ और ये लो 50 रुपये तुम इसका गोलगप्पे खा लां, तो क्या होता है कि ये निम्न स्तर की आवश्यकता है,
निम्न स्तर की है। इसके लिए बच्चा क्या करता है, उसको लगता है हाँ यार गाड़ी चलाने को मिलेगी और पैसे भी मिल रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, तो फटाक से वो बोला हाँ हाँ सर दो फटाफट से मैं कर दूंगा ये कार्य। तो ये निम्न स्तर की आवश्यकता है, तो इसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा ज़्यादा प्रभावी होती है। इसमें बाह्य स्तर की जो अभिप्रेरणा है वो प्रभावी होती है और बच्चा तुरंत हम कह सकते हैं व्यक्ति तुरंत उस कार्य को करने के लिए प्रभावी हो जाता है। चलो है ना, लिख लिया यहाँ तक, तो बाकी हम पढ़ेंगे कल, और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिविजन करें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।